नहीं मिलते थे, ये बनते तो ये हम जो ऊपर का ये डालते हैं तो ये तो ये होता है ये वाला, नीचे की हम जो जगह डालते हैं वो जगह होती है ये। एक्चुअल में जो अंदर आता आई बॉल है ना उसी को वो हमारे जो स्कल में फिट हुआ हुआ है वो एकदम राउंड है और उसको ये हमने कवर अप किया हुआ है इस तरह, और ये बीच में ये हमारे ये स्टार है जिससे हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो अब इसी को ब्यूटीफाई करना है, कैसे करना है, तो जैसे ये आपका आईब्रो है, अब ये वाला तो भूल जाओ आप, ये एक इमेजिनेशन में रहना चाहिए कि ये अंदर से इसी तरह राउंड है। किसी की आंखें बड़ी होगी वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये तो हो गई हमारी ऊपर की पलक हो गई, ये नीचे की पलक हो गई, फिर यहाँ साइड में हमारे एक ये कॉर्नर आएगा, ठीक है। ये हमारी पलक के ऊपर ये हल्का सा ये आवरण बन जाता है, वो इसका आवरण है कि स्किन हमारी बंद होती है खुलती है, जब खुलती है तो ये एक दिखाई देगा आपको गैप, और ये इसका ये नीचे वाला हल्का सा शेडिंग ये वाली आएगी, और ये ऊपर की हमेशा ये बनेगी डार्क, हाँ ऊपर की डार्क होगी, और ये आगे आपका स्टार बन गई। अब इसमें क्या होगा कि ये अंदर ये एक ब्लैक और होता है हमारा, तो स्टार कैसा हुआ हमारा अंदर का ये होता है, फिर इसमें एक अंदर ब्लैक और होता है, ठीक है। और ये यहाँ से हल्का सा स्टार आएगा, अब जैसे लाइट सोर्स ये है तो ये ब्राइटनेस इधर चली जाएगी, लाइट साउंड सोर्स इधर से है तो ये ब्राइटनेस इधर आ जाएगी। अभी हम इसको देख रहे हैं फ्रंट से, तो जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर एक हल्का सा वाइट का पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो इससे एकदम जीवन का आ जाएगी क्या कि अपनी लाइट यहाँ पर रही और इसकी ब्राइटनेस में आ रही है। तो ये इसका टोटल साइड में बनाएंगे तो ये हमारा आईब्रो आ गया, अधिकतर का हम इसको यहाँ बनाएंगे आगे देखने के लिए, और फिर ये एक हल्का सा यहाँ पर आगे से डार्क होगा और पीछे से हल्का होता चले जाएगा, जैसे ये है कि ये बिल्कुल आगे से यहाँ से थोड़ा सा डार्क होगा और पीछे से लाइट होता चले जाएगा। सर फेस का कट आगे के होट का फेस का आपका स्टाइल है, आपका वाला जनरल एक स्टैंडर्ड बताता हूँ मैं, जैसे अलग अलग शैलियों में अलग अलग होता है, अलग अलग है ना, मैं आपका अलग अलग शैलियों में अलग होता है, हाँ ये मेरा जो है वो बता रहा हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये वाले लाइन होगी थर्ड, ये फोर्थ यहाँ तक आएगा ये, और ये फिफ्थ में पूरा आ जाएगा चिन, ठीक है जी, पांच पांच तरह में आ जाएगा। और जैसे जैसे जहाँ ये हमारा हल्का सा बैंड आ रहा है ना उसके सामने तो आपका आएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, और आईब्रो आएगा इसके ऊपर जहाँ से बैंड चालू हो रहा है ये जगह। अब जैसे हमें इसमें ये हम आँख बना रहे हैं, मीन कौन सी वाली मछली की तरह जो होती है, वर्कशॉप ले रहे हैं हम से। तो जैसे कमल होता है, हाँ। तो कमल होगा ये आपसे यूँ, तो कुछ आइज होती है इस तरह की, आलमंड होगा वो होगा यूँ, कुछ आइज होंगी इस तरह की, ठीक है, ये आलमंड हो गई, ये लोटस हो गया, और ये मीन हो गई मतलब मछली की तरह। सबसे सुंदर मछली वाली लोटस सबसे अच्छी मानी जाती है, राजीव नयन जो बोलते हैं ना, राजीव नयन, राजीव बोलते हैं कमल को, राजीव नयन सबसे सुंदर जो जैसे लोटस की जैसे होती है वो मानते हैं, राजस्थानी जो शैली जो मानती है उसकी जो मानते हैं। और मीन वाली जो होती है ये हमारी साउथ में भी आती है और अजंता में भी आई है, और काफ़ी सारी इसमें आई है, एलमंड वाली आई है अधिकतर नगर में, छोटी आती है, बूंदी में भी ऐसी होती है और कोटा में भी इसी तरह की आएगी।
और आलमंड ऑयल, आलमंड जो ऑयल है वो हमारी ये इसमें देवगढ़ में भी, देवगढ़ है, मेवाड़ है, उसमें भी ऐसी आई, ये मोटी आती थोड़ी ऐसी। सर आपका वाला कौन सा स्टाइल है? ये वाला है जो मैं बना रहा हूँ। कौन सी शैली है? जम्मू शैली चला मेरे फादर। ये तो जनरल जो हमारा काम जैसे जहाँ से चालू होगा वही होगा। डाउट है वो क्लियर। जैसे आईज में, लिप्स में, शेडिंग में, मतलब लगभग हिंदुस्तान की सभी अच्छी शैलियों का मिक्सचर किया। अच्छा, छाछ पिला लेना, आपको छाछ पिला के देते हैं, कूल हो जाओगे आप। बहुत सुंदर अल्टीमेट। अब ऐसी लग रही है उत्तर के भारी आ जाएगी। बहुत ही सुंदर बनाई है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर है। सूर्य आने का सबसे बड़ा बार इधर भी दिखाएं। सीधी करके ले, सिग्नेचर कर दो सर।